परेशान नहीं होना, चीजों को सीखना है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम विद इनिशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी नॉट आई वेयर वी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई एंड ई नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज ग्रेटर देन जीरो। इस डी ब्रोगले वेवलेंथ एट टाइम टी इज गिवन बाय, इसकी डी ब्रोगले वेवलेंथ आपने बतानी है और सपोज करें कि लैम्डा नॉट जो है वो एच ओवर एम वी नॉट है। देखिए बेटा डी ब्रोगले वेवलेंथ का फार्मूला होता क्या है, एच एच नहीं एच ओवर लैम एच ओवर पी डी ब्रोगले वेवलेंथ का फार्मूला लिखना है हमने, हमसे क्या लिखवाई जा रहा है। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, क्योंकि मैथ दिया हुआ है वेलोसिटी दी तो मैं एम वी लिख देता हूँ। अच्छा ये वेलोसिटी है एट टाइम टी, तो हमें इनिशियल दी गई है लेकिन एट टाइम टी का हमें पता करना है, तो एट टाइम टी कैसे निकालेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लगा के, ठीक है ना। और आपको पता है कि F जो है वो बराबर होता है Q into E के, ठीक है। तो आपके पास F को आप लिख सकते हैं एम ए, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, माइनस E इंटू E आ जाएगा। सो A क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस E इंटू E ओवर M। तो ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास वी एफ क्या बनता है, जिसको मैं वी ही लिख रहा हूँ अभी, वी नॉट इनिशियल को नॉट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये ई भी जो है वो माइनस ई नॉट दिया हुआ है ना, ई की वैल्यू आप पुट कर ले माइनस ई नॉट, तो ए क्या बन जाता है, माइनस ई इंटू माइनस ई नोट ओवर एम। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो गया ये आपके पास, वी नोट प्लस ए की जगह पे आ रहा है ई नोट ओवर एम। परेशान नहीं होना, ये वैल्यू यहाँ जाके लगा दें, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम इंटू वी नोट प्लस ई नॉट ओवर एम आ गया। एम को मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी नॉट प्लस एम, एम से कैंसिल होगा, ई इंटू ई नॉट आ जाएगा। और टी हम लिखना भूलते आ रहे हैं, इक्वेशन में टी भी है ना इसे, टी ठीक है जी। अब आप ऐसे करें कि एच ओवर एम वी नोड कॉमन ले लें, तो आपके पास लैम्डा क्या बनेगा, ये ऊपर ले जाएं एच ओवर एम वी नोड, नीचे क्या आएगा, वन प्लस, ठीक है। ये चीज़ आप कॉमन ले गए हुए हैं तो इधर क्या आ जाएगा, ई नोट टी, और इसके नीचे ये चीज़ आपको खुद से डालनी पड़ेगी क्योंकि आपने कॉमन निकाल लिया ना, इधर होता तो निकालते ना, इधर आपने सपोज कर लिया अब, ठीक है। सो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, लैम्डा नोट, ये गिवन है आपको। सो आपके पास जो लैम्डा, कलर चेंज कर देता हूँ जी, कर देता हूँ एक मिनट, ये आपके पास है लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर वाली चीज़, ये क्या बन गई जी, लैम्डा नोट ओवर वन प्लस ई नोट टी ओवर एम वी नोट जी। तो अल्फा ही बन रहा है आपके पास आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अभी आपने पढ़ा है ना कि वेवलेंथ जो होती है डी ब्रोगले वेवलेंथ वो एच ओवर पी होती है, और आपको पता है पी बराबर होता है टू एम ई के,
यहाँ पे ई हम काइनेटिक एनर्जी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को कह रहे हैं। तो लैम्डा क्या बन जाएगा आपके पास, एच ओवर अंडर रूट टू एम ई बन गया ना, पी की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास क्या बन गया, ई लिखूंगा मैं, के ई नहीं लिखूंगा, ठीक है। वो दोबारा मैंने आपको बता दिया, ये टू है, ठीक है, यहाँ पे टू है, टू एम ई। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं जी। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बराबर है जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। द डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा आर इन द रेशियो। आपने प्रोटॉन की डी ब्रोगले वेवलेंथ और अल्फा की डी ब्रोगले वेवलेंथ की रेशियो बतानी है जी। वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है डी ब्रोगले वेवलेंथ का, एच ओवर टू एम ई होता है। ओके, तो प्रोटॉन के लिए लिखें जी, प्रोटॉन के लिए इसी को लिख देते हैं, इसके साथ पी लगा दें, इधर भी पी लगा दें, इधर भी पी लगा दें। अल्फा के लिए लिखें जी, इधर अल्फा लगा दें, एच ओवर इधर भी लगा दें, ठीक है जी। जी तो आप इनकी रेशियो ले रहे हैं लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा। एच तो आपके पास ऊपर आएगा एच ओवर टू एम पी इंटू ई पी ओवर, नीचे क्या आएगा एच ओवर टू एम अल्फा इंटू ई अल्फा। कैंसिलेशन करें जी जो हो रही हैं, जल्दी करें, जल्दी फटाफट फटाफट। एच एच से टू, टू से ई पी, ई अल्फा से, देख रहे बराबर था इसलिए, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा क्या बचा जी, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट मास ऑफ अल्फा ओवर मास ऑफ प्रोटॉन जी। आप जानते हैं कि मैस ऑफ अल्फा फोर टाइम मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, वो पुट करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ऊपर अंडर रूट फोर बचा, अंडर रूट फोर ओवर वन आ जाएगा टू रेशो वन, ठीक है जी, टू रेशो वन क्या आया जी, टू रेशो वन। करते जाएं जी, चलते जाएं जी, चलते जाएं जी। लमदे का क्वेश्चन है जी, तवज्जा करनी है आपने। द वेवलेंथ लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यानी डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ अ फोटॉन, ये फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा पी है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्डा ई है, ऑफ द सेम एनर्जी, एनर्जी सेम है जी दोनों की, ठीक है, आर रिलेटेड बाय। अगर इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की एनर्जी सेम हो तो वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, अगर आप इजाज़त दें तो हम बात करते हैं जी, नहीं दे रहे इजाज़त, देख लें फिर, अच्छी बात नहीं है, चलें जी मिल गई इजाज़त जी। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उसका फार्मूला क्या है जी, डी ब्रोगले वेवलेंथ बनेगी ना, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, एच ओवर टू एम ई हो गया। ओके, इधर हम बात कर लेते हैं फोटॉन की, फोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी सर, वो एच ओवर ई होगी, हैं एच सी ओवर ई होगी ना, एच सी ओवर ई। अभी फोटॉन के ऊपर एक लेक्चर हमने किया था, ठीक है। तो इनकी क्या चीज़ बराबर है जी, एनर्जी बराबर है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ही जो इलेक्ट्रॉन की है इसी को हम एनर्जी कहते हैं जी, टोटल एनर्जी भी यही होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो है वो ब्रेक लेते हैं, बल्कि मैं आपको हिंट देता हूँ, अभी ठहर जाएं, आप दोनों की एनर्जी इक्वेट करके वेवलेंथ की रेशियो बना लें। मैं
जी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है और पार्टिकल की वेवलेंथ का फार्मूला क्या बताया, एच ओवर टू एम ई इन अंडर रूट, ये बताया है। फोटॉन की वेवलेंथ का क्या फार्मूला आपको बताया, मैंने मैंने आपको वैसे ना हल कर इसका बता दिया था जी। अभी अभी कर रहे हैं, चले मेरे साथ करें फिर। तो लैम्डा ऑफ फोटॉन आपने क्या निकाला था जी, एच सी ओवर ई था, ठीक है। तो ई आपने जो है ना वो इनकी बराबर लेनी, ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई ऑफ फोटॉन। तो इसकी जो ई की वैल्यू है वो तो अंडर रूट के अंदर है बेचारी, कैद हो जाए, इसको बाहर निकाल दें, स्केयर रूट लेंगे। चले तो लैम्डा ई स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर ओवर टू एम ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई को इधर ले जाएं, ई क्या आ जाएगा, एच स्केयर ओवर टू एम इंटू लैम्डा ई का स्केयर। वेरी गुड, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल आई, ठीक है जी। इधर ई ई बेशक लिख लें, ना भी लिखें तो ठीक है। इधर आप ई को अलग करें, ई क्या आ रहा है जी, ई ऑफ फोटॉन क्या आ रहा है जी, एच सी ओवर लैम्डा पी। ये दोनों इक्वल हैं, इनको इक्वेट कर दें, इनको क्या कर दें, इक्वेट। ये कंडीशन जो दी हुई है ई ई इक्वल टू ई पी, ये यूज़ करें। इसकी वैल्यू क्या है जी, एच स्केयर ओवर टू एम लैम्डा ई का स्केयर इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे, एच सी ओवर लैम्डा पी, ठीक हो गया। एच एक तो उड़ गया, ठीक है, जो ख़त्म होता है उससे तो जान छुड़ाएं, ठीक है। अब आपने इधर आपके पास क्या बचा जी, एच ओवर टू एम लैम्डा ई का स्केयर, इधर क्या बचा जी, सी ओवर लैम्डा पी। इनको इन्वर्ट कर दें, इनको इन्वर्ट कर दें, आपके पास आ जाएगा लैम्डा ई स्केयर ओवर लैम्डा ई स्केयर, ऊपर चला गया टू एम भी तो ऊपर जाएगा ना, इन्वर्ट कर रहे हैं ना, लैम्डा ई स्केयर इंटू टू एम, नीचे क्या आ जाएगा एच, इधर क्या लिखेंगे, लैम्डा पी और नीचे सी आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट सारे अलग कर लें आप, एक तरफ ले जाएं, एक तरफ ले जाएं, एक तरफ ले जाएं, तो आपके पास आएगा लैम्डा ई स्केयर इंटू टू एम, सी भी इधर ही ले जाएं यार, सी ओवर एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा पी। अब आप ज़रा गौर करें कि ये सारा फैक्टर क्या आ गया, कांस्टेंट, लैम्डा ई स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी आ गया, लैम्डा ई स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू पी आ गया, ठीक है जी, अल्फा ही आंसर आएगा जी। आगे चलते हैं जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, अगर आप एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो उसकी जो डी ब्रोगले वेवलेंथ है उसमें कितनी परसेंटेज चेंज आएगी। तो आपके पास वेवलेंथ का फार्मूला क्या है जी, एच ओवर टू एम ई, लैम्डा प्राइम को आप लिख सकते हैं एच ओवर 2m 16 टाइम्स ऑफ e, 16 टाइम इंक्रीज की ना आपने, सो ये आपके पास आ गया लैम्डा प्राइम जो है 16 को अगर मैं स्केयर रूट से बाहर निकालूं तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 इंटू एच ओवर 2m e, यानी जो लैम्डा प्राइम है वो क्या आ गया, 1 ओवर 4 ऑफ लैम्डा, ये सारा लैम्डा था, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा निकाल लें जी, डेल्टा लैम्डा क्या आएगा, ठीक है जी, लैम्डा माइनस
लैम्डा प्राइम, लैम्डा माइनस वन बाई फोर लैम्डा करें क्या आ गया, थ्री बाई फोर लैम्डा। परसेंटेज चेंज क्या होती है जी, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इनटू 100%, यही करेंगे ना, इतनी बार कर चुके हैं अब तो, वो लैम्डा इनटू 100। तो आपके पास क्या है जी परसेंटेज, 3/4 लैम्डा ओवर लैम्डा इनटू 100% जी, लैम्डा लैम्डा से गया तो ये आपके पास कितना आ गया, 75% बन गया ना।